इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी, आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम मनीषा है। नमस्ते हसीन जी साहब। जय हिंद, स्वागत है अनीशा जी। सर मेरी ना दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर पहली है, सर पहली मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है 12 साल से, और सर हेयर ग्रोथ भी हो रहा है पेट पे। और सर दूसरी है कि सर मुझे ना नींद बहुत आती है। सब ही नहीं है कि मैं बहुत काम करती हूँ, मेहनती काम करती हूँ सर, नींद तो मुझे 12-12 घंटे और आती है, और सर उठाने पे मैं उठ पाती हूँ, इतनी नींद आती है सर। और अच्छा, सर ऐसे घोड़े बेच के सोती हूँ कि कोई घर भी लूट जाए तो पता ना चले कि कुछ हुआ है। आपकी उम्र कितनी है बच्चे? ठीक सर मेरी ना 22 है। है, ठीक है। सर ये किस कारण से ऐसा हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सर वैसे मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ब्लड वगैरह के लिए। हाँ, पेशाब आपको पीला आता होगा बहुत। सर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया सर। हाँ थोड़ा लाइट ये येलो तो रहता है सर वैसे। बच्चा, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, और इस उम्र में खूब नींद आती है। इस उम्र में अगर नींद कम हो और अपने ज़रूरी चीज़ों में, जैसे भगवान को याद करने में या अपने सबक को याद करने में, पढ़ाई में दिलचस्पी लें, और पढ़ते वक्त तो ऐसी नींद आती है कि मुझे भी याद है जब कुछ रट्टा लगाना होता है, और जब होता था, और कितनी नींद आती थी। पर कोई मुश्किल बात नहीं, नींद कोई बीमारी नहीं है इस उम्र में। और अगर आप 24 घंटे में 8-9 घंटे भी सोते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, इस उम्र में इतनी नींद आती ही है। अब रही बात पीसीओडी की, और जो ये आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम मेन है, ये ठीक होते ही आप तंदुरुस्त हो जाएंगी। तो आप नुस्खा लिख लीजिए, आसान नुस्खा है अलसी। अलसी आप जानती होंगी, नहीं तो सर्च कर लेना फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड बहुत मशहूर दवा कहूँ या घरेलू नुस्खा कहूँ, अलसी ले लीजिए और 200-300 ग्राम लीजिए, और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के एक डब्बे में रख दीजिए। अब आपको क्या लेना है, नमक जैतून आता है, असली लेना, असली वाला, नकली नहीं। ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा, जो किचन में इस्तेमाल होता है ना, मीठा सोडा भी कहते हैं, ये 2 गिलास पानी में एक एक चुटकी मिला दीजिए। और मिलाकर इस पानी से 1 चम्मच भर के असली अलसी खा लीजिए, अलसी। बस ये खाया आपने और इसने काम शुरू किया, और आपके दिमाग से खूब अच्छे से खून बहेगा, और बालों को उनकी ग़िज़ा मिल जाएगी, और सबसे पहले आपके पेशाब का रंग साफ़ होगा। और पानी आपको 2.5 से 3 लीटर पीना है रोज़ाना। ये कुछ दिन कर लें, महीना 2 महीना, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी विनय शर्मा हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर। जी आदा। डॉक्टर मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, और मेरे टेस्ट हो चुके हैं। लेफ्ट घुटने की जो हड्डियां हैं अंदर की तरफ बिल्कुल टच हो गई, और उसमें पहले तो पेन था, से दवाई वगैरह लेकर आपसे भी मैं ऊपर में तब ली थी मेडिसिन, में मुझे बोन दिया और 5 जड़ी बूटी, तो मैंने सब पीसी और उसका पाउडर मैंने 6-7 महीने खाया। तो इससे मुझे महीना तो बहुत आ रहा, पेन किलर नहीं लेना पड़ा, पर धीरे धीरे मुझे 10 के बाद पेन किलर ले रहना पड़ा, और
और जैसे जैसे गर्मी का मौसम हुआ तो मैंने मुझे छोड़नी पड़ी दवाई, क्योंकि मुझे पेशाब में थोड़ा हो गई थी। अब मुझे उन्हीं पेन चलने में, मैं थोड़ा झुक के चल, मेरी कमर में आना शुरू, वो कमर में दर्द चलने से, ज्यादा देर खड़े होने से, रेस्ट कर ले हो जाता है। तो मैं आपसे ये सलाह कि मैं अभी डॉक्टर तो मुझे एलोपैथी उन्होंने बोल चुके हैं कि रिप्लेसमेंट करवाओ, पर मैं इसमें वो नहीं हूँ। आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं आगे और क्या मेडिसिन ले सकती हूँ। ठीक है, हाँ जी। और मुझे सर एक बार उन्होंने आर केयर भेजा आपके क्लिनिक से, थोड़ा सा मेरा यूरिक एसिड ऊपर आया था, आज ही मैंने सारी जांच करवाई है तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है, पर मेरा कंट्रोल हो गया था, 6.1 आ गया था। ठीक, अच्छा, देखिए फायदा हुआ था तो फायदा होना चाहिए, हमारा अनुभव ये कहता है। और कुछ भी नहीं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को तो फायदा होना ही चाहिए, और नुस्खा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लेना है आपको, और कम से कम 5 महीने लगातार लेना है। यही गौंसिया लेना है जो आपने लिया था, और ये गौंसिया कैसे लेना है, अलसी भून कर रख लें, अलसी भून कर रख लें, और ऐसा हो तकरीबन 300-500 ग्राम अलसी हल्का सा भून कर पाउडर बना कर रख लें। और गौंसिया किस तरीके से आप लेते थे नहीं पता, लेकिन ऐसा 2 चुटकी में जितना गौंसिया आए अलसी में मिला दें, और 1 चम्मच शहद, घी या मलाई उसमें ऐसे मिक्स कर दें इसको, और इसको खा लें, शहद घी या मलाई उसमें ऐसे मिक्स करके फौरन खाकर, और ये जो नमक जैतून आता है 1 चुटकी लें, 2 गिलास पानी मिलाएं और ये 2 गिलास पानी पी लिया करें, ये बहुत तेज़ हो जाता है नुस्खा, और 5-6 महीने लें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है, वेस्टर्न टॉयलेट आपके पास यकीनन होगा मुझे उम्मीद है, नहीं है तो लगवा लें, और मेहनत और वज़न उठाने का काम बिल्कुल ना करें, कोशिश करें इस तरह से आप नुस्खा लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो मैम आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, थोड़ा सा बस इंतज़ार और कर लीजिएगा, और जो जो बातें हकीम साहब ने आपको बताई हैं उम्मीद करूंगी आपने अच्छे से लिख ली होंगी, आपने समझ ली होंगी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। पैरों में दर्द है, पैरों में, हाँ जोड़ों में, जोड़ों में दर्द है, 3 साल हो गए, 4 साल की उम्र है, ठीक है ठीक। अच्छा देखिए, अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था, ये दुनिया का बहुत अच्छा नुस्खा है, ये नुस्खा बहुत अच्छा है दुनिया के माने नुस्खों में, ये एक रॉ मटेरियल है जिसे हम काला गौंद कहते हैं या गौंद स्याह कहते हैं, लिख लें, और असली लेना शर्त है, ये एक रॉ मटेरियल है, काले काले रंग का गौंद है जिसे काला गौंद या गौंद स्याह कहते हैं, इसको पाउडर बना के रख लें, और अलसी को लें, 300-400 ग्राम अलसी ले लें, इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना, और 1 चम्मच अलसी और 2 चुटकी यानी आधा ग्राम के करीब गौंसिया, 1 चम्मच छोटा चाय के चम्मच अलसी का पाउडर में मिक्स करें, शहद में मिलाकर, हनी में या मलाई में मिलाकर, या मलाई जिसे कहते हैं, या घी में ऐसे मिक्स करके फौरन खाकर पानी या कम चर्बी का दूध पी लें। ये अमल आप 5 महीने तक करें
तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी विजय कुमार रावत है, नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी सर, जय हिंद। जय हिंद सर, स्वागत है आपका विजय कुमार। जी सर, मैं कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा था। जी सर, ये मेरी मैसेज जो है आपकी बहुत बड़ी फैन है, इन्हें आपकी पूरी डायरी बनाई है। अच्छा, ये हाँ, ये सब लोगों को, दूसरे लोगों के आपके नुक्से बताती हैं, है ना। ये कई लोगों को बता चुकी हैं आपके नुक्से, कई लोगों को लाभ भी हुआ है आपकी दवाई से। अच्छा, इन्होंने अपनी बिटिया के लिए जो है, हमने नमक, जैतून और गोंद मोरिंगा मंगाया था। अच्छा, क्या है इसको, बाल भी झड़ते हैं, सोराइसिस और थायराइड है। तो क्या ये दोनों अपन को एक साथ देना है कि एक एक देना है? इन्होंने ये धनिया, आंवला और मेथी का पाउडर भी बनाया है। तो ये दोनों अपन एक साथ दे सकते हैं कि एक एक करके देना है, और किस विधि से देना है? ठीक है, ठीक है, मेरा मेरी तरफ से उनको जय हिंद बोलिए। और बहुत सम्माननीय हैं ऐसे लोग जो दूसरों का भला करते हैं। और इसमें नुस्खे में आप इस तरह करें कि देखिए, गौन मोरिंगा तो एक ही ग्राम खाना होता है पूरे 24 घंटे में, चाहे दूध से लें, चाहे पानी के साथ लें, चाहे नारियल पानी के साथ लें। बस एक बार सुबह को ले लें, या किसी कोई भी एक टाइम तय कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि खाने के बाद, खाने से पहले, लेकिन अक्सर अर्ली मॉर्निंग खाना बेहतर रहता है। अब रहा थायराइड का सवाल, तो नमक जैतून आपके पास है, उसके लिए आप ये जो तीन चीज़ों का पाउडर बनाया, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आंवला, इस पाउडर को एक चम्मच भर के सुबह खाएं। जो गोली भी खाते होंगे थायराइड की, उसके आसपास खाएं, उसके साथ खाएं, उससे पहले खाएं, उसके बाद खाएं, लेकिन खाली पेट खाएं। और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के ये पानी पी लिया करें, और ऐसे ही आप रात को भी कर सकते हैं। और बच्ची के बाल जो है ना, उसके लिए शैम्पू छोड़ दें कुछ दिन के लिए, सादा साबुन इस्तेमाल करें। देखिए, मेरे इतने सारे बाल हैं और बुढ़ापे में इतने बाल होते नहीं हैं, और मेरे भी गिरना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने शैम्पू बहुत कम यूज़ किया है। 50 साल के बाद तो मैंने पहली बार यूज़ किया, जब मैं 50 साल का था, तो मैंने देखा कि मेरे बाल हैं तो बड़े घुंघराले हो गए, और ये हो गया, और बड़े फूले हुए ऐसे रेशमी से लगने लगे। लेकिन वो मेरे बिस्तर पर काफ़ी बाल मिलने लगे जब मैंने शैम्पू यूज़ किया। तो फिर मैंने शैम्पू की वो रिसर्च की, तो पता चला कि उसमें कास्टिक जो है, जो चीज़ वो कपड़े धोने के साबुन में डलती है ना, वही डालते हैं, तो बालों को तोड़ती है, हाथों तक को पर तकलीफ़ देती है वो, तो मैंने छोड़ दिया, तो मेरे बाल गिरने रुक गए। तो शैम्पू छुड़वा दीजिए, सादा साबुन यूज़ करें, या कोई बगैर कास्टिक का वो मिल जाए शैम्पू, कास्टिक सोडा नहीं होना चाहिए उसमें। तो देखिए, ये इस्तेमाल करें, आप जितना चाहे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। ज्योति जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सूरत से बोल रही हूँ मैडम। आपका सवाल मैडम ये है कि सवाल कि मेरे पीरियड में महीने में 2 बार आता है, और बच्चेदानी में गांठ बता रहा है। उम्र कितनी है? 35। ठीक है, देखिए आसान नुस्खा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कलौंजी का सिरका। कलौंजी का सिरका 2 चम्मच, असली लेना सिरका, 2 चम्मच पानी में मिलाएं, और 1 चुटकी उसमें खाने का सोडा मिला दें, और ये दिन में 1 खुराक या ज़्यादा ज़्यादा 2 खुराक खाने के बाद ले लिया करें। 1 खुराक ले तो रात को सोते समय लिया करें, वैसे 1 ही खुराक काफ़ी फ़ायदा करती है, बहुत ज़रूरी हो तो 2 खुराक लेना।
खाने का सोडा मीठा सोडा कहते हैं जो हमारे किचन में इस्तेमाल होता है, वो एक चुटकी खाने का सोडा, एक दो चम्मच कलौंजी का सिरका इस्तेमाल किया करें, फ़ायदा ले सकते हैं आप।